हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सीखेंगे। आज है हमारा पोस्टर मेकिंग का डे 18। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया कैनवास क्रिएट करेंगे। शॉर्टकट है कंट्रोल एन, कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का न्यू डॉक्यूमेंट का पैन ओपन हो जाएगा। विड्थ मैंने रखी हुई है 750 और हाइट रखी है 1000, ये पिक्सल में रखी हुई है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी विड्थ और हाइट रख सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा इस तरह का न्यू डॉक्यूमेंट का पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल जीरो से इसको जूम आउट कर लेंगे। फिर हम इसमें अपना फोटो लेकर आएंगे। उसके लिए हम जाएंगे फाइल में और प्लेस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा फोटो प्लेस हो जाएगा। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम इसके पीछे में बैकग्राउंड ऐड करेंगे। उसके लिए हम पहले इस लेयर को रास्टराइज करेंगे। उसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रास्टराइज लेयर पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इसके नीचे एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड बनाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर ऑप्शन पर और सॉलिड कलर पर क्लिक कर लेंगे। इस बोतल में से ही अपना एक कलर ले लेंगे, एक लाइट कलर रखेंगे हम इसमें से कुछ इस तरह से। ओके पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इसके साइड में थोड़ी सी डार्क शेड ऐड करेंगे। उसके लिए हम इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे। इस ब्लैंक लेयर आइकन पर क्लिक कर कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे और ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे। साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। कीवर्ड शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगे। इसी में से एक डार्क कलर पिक कर लेंगे। कलर पिक करने के लिए ऑल्ट होल्ड करेंगे और इस बॉटम में से ही एक डार्क कलर पिक कर लेंगे। फिर उसको थोड़ा और डार्क बना लेंगे। इस फोरग्राउंड कलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा कलर पिकर पैनल ओपन हो जाएगा फोरग्राउंड कलर का। तो इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसमें डार्क शेड ऐड कर लेंगे। कुछ इस तरह से कंट्रोल जीरो से जूम आउट कर लेंगे। फिर हम इसके पीछे में एक लाइट ऐड करेंगे। उसके लिए हम इसके जो हमने डार्क लेयर ऐड की थी, डार्क शेड वाली लेयर, उसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे। उसके लिए हम इस ब्लैंक लेयर आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा ब्लैंक लेयर ऐड हो जाएगा। हम अपने कैनवस को थोड़ा जूम आउट कर लेंगे। उसके लिए ऑल्ट होल्ड करेंगे और माउस के स्क्रोल बटन को पीछे की ओर ड्रैग करेंगे। जूम आउट करने के लिए पीछे की ओर ड्रैग करें, साथ में ऑल्ट होल्ड करके रखें, और जूम इन करने के लिए ऑल्ट होल्ड करके रखें और माउस के स्क्रॉल बटन को आगे की ओर ड्रैग करें। फिर हम इस बोतल में से ही एक लाइट कलर ले लेंगे। उसके लिए ऑल्ट होल्ड करेंगे और इस बोतल में से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए इस बोतल के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएंगे। जो हमारा कलर पिकर टूल एनेबल हुआ होगा ऑल्ट होल्ड करने से, उससे हम कलर पिक कर लेंगे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर कुछ इस तरह से। फिर हम इस कलर को थोड़ा और लाइट कर लेंगे। उसके लिए हम फोरग्राउंड कलर वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको लाइट कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और इस तरह से एक लाइट ऐड कर लेंगे। उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, कीवर्ड से ट्रांसफर टूल इनेबल कर लेंगे। कुछ इस तरह से उसको बड़ा कर लेंगे। कीवर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, जहां फिर इस स्टिक वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। कीवर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, मैंने एंटर प्रेस कर लिया। आप टिक आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर हम मूव टूल सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट है वी, बैन वाला वी। इसका साइज थोड़ा हम सॉरी इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी लाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इस बोतल का साइज थोड़ा हम छोटा कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसका साइज इस तरह से छोटा कर लेंगे। कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे, जहां फिर स्टिक वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे, एंटर प्रेस कर लेंगे। फिर हम इसके नीचे में इसकी एक शेडो ऐड करेंगे इस पोर्टल की। उसके लिए हम कंट्रोल होल्ड करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करेंगे और इस ब्लैंक लेयर आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा जो ब्लैंक लेयर है इस बोतल के नीचे ऐड हो जाएगा। कीवर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे। डी प्रेस करेंगे, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को डिफॉल्ट कर लेंगे। डी शॉर्टकट है डी, और वाइट को ऊपर लाने के लिए एक्स और ब्लैक को ऊपर लाने के लिए एक्स। हम कलर रखेंगे ब्लैक और इस तरह से एक स्ट्रोक डैप कर लेंगे।
कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले जो हमारा ऊपर वाला जो हमारा सेंटर वाला नोड है उसको पकड़ेंगे शिफ्ट की हेल्प से, और इस तरह से नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे, कुछ इस तरह से इसको प्लेस कर लेंगे और इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे या फिर स्टिक वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे, जो हमारे इसमें एजेस है वो थोड़े शार्प हैं, उसको हम सॉफ्ट बनाएंगे। उसके लिए हम पहले इस लेयर को स्मार्ट बनाएंगे, उसके लिए इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम फिल्टर में जाएंगे और ब्लर ऑप्शन पर जाएंगे और गॉजियन ब्लर सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लर का रेडियस रिड्यूस कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो शेडो है इसके नीचे ऐड हो जाएगा। फिर हम इसके थोड़े से इस ओर से और इस ओर से इसको रिमूव करेंगे, उसके लिए हम इस लेयर के ऊपर मास्क अप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरह से। कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे, साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पर आ रहेंगे और इस तरह से रिमूव कर लेंगे। कलर हम रिमूव करने के लिए ब्लैक रखेंगे, और अगर कुछ किसी चीज को वापिस लाना हो जो रिमूव हो गई हो तो हम व्हाइट कर लेंगे। शॉर्टकट है एक्स, और एक्स प्रेस करोगे ब्लैक ऊपर आ जाएगा या फिर रेड व्हाइट जो भी कलर होगा वो ऊपर आ जाएगा। फिर से एक्स प्रेस करोगे तो व्हाइट कलर आ जाएगा ऊपर, व्हाइट हो बैकग्राउंड हो या फिर रेड हो कोई भी वो ऊपर आ जाएगा। एक्स प्रेस कर ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से रिमूव कर लेंगे इसको। ब्रश टूल को सिलेक्ट रखेंगे, फिर हम इस बोतल को सिलेक्ट कर लेंगे, बोतल वाली लेयर को। फिर इसके ऊपर में एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे, इस ब्लैंक लेयर आइकन पर क्लिक कर फिर हम इसको क्लिप बना लेंगे। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर लेंगे, जहाँ फिर शॉर्टकट है ऑल्ट होल्ड करेंगे और इस अपने कर्सर को इस इन दोनों लेयर के बीच में लेकर जाएंगे तो हमारा कर्सर जो है उसका आइकन चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। क्लिक करेंगे मास्क के लेफ्ट बटन से तो हम इसको क्लिप बना लेंगे बोतल के साथ, और इसमें हम इस तरह से डार्क सी शेड ऐड कर लेंगे इसको, और इसको शेडो के साथ ब्लेंड कर लेंगे कुछ इस तरह से। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको इस तरह से नीचे की ओर रख लेंगे। फिर हम इस शेडो को पकड़ लेंगे शेडो वाली लेयर को, और इस बोतल को भी पकड़ लेंगे कंट्रोल की हेल्प से या फिर शिफ्ट की हेल्प से, दोनों में से कोई भी की यूज कर लेंगे। मैं कंट्रोल की यूज कर लेता हूँ। वी प्रेस करेंगे मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और पकड़ कर इसको इस तरह से प्लेस कर लेंगे। कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम इस शेडो को पकड़ेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। हमारे अगर लेयर हमारी लेयर स्मार्ट है तो हमारा स्मार्ट लेयर का इस तरह का डायलॉग बॉक्स इसके ऊपर आ जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे फिर हमारा ट्रांसफर टूल इनेबल हो जाएगा। फिर से हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे, उसके लिए सेंटर वाली नोड को पकड़ेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे और इस तरह से पकड़कर इसको स्क्वीज कर लेंगे, इस तरह इसके नीचे रखेंगे कुछ इस तरह से। फिर हम इसमें अपना एक और फोटो लेकर आएंगे, उसके लिए हम फाइल में जाएंगे और प्लेस लिंक पर क्लिक कर लेंगे, अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा फोटो प्लेस हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम इसके नीचे भी एक शेडो ऐड करेंगे, उसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके पहले हम इसको रास्टराइज करेंगे, राइट क्लिक और रास्टराइज लेयर पर क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल होल्ड करेंगे और इस ब्लैंक लेयर आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा जो ब्लैंक लेयर है इसके नीचे ऐड हो जाएगा। कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से दो स्ट्रोक टैप कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ट्रांसफर टूल इनेबल कर लेंगे, फ्री ट्रांसफर टूल और इस सेंटर वाली नोड को पकड़ेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे और इस तरह से इसको स्क्वीज कर लेंगे और इस तरह इसके नीचे हम प्लेस कर लेंगे। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, इसका साइज थोड़ा ब्रश का छोटा कर लेंगे, फिर इस शेडो के ऊपर मास्क अप्लाई करेंगे, उसके लिए मास्क आइकन पर क्लिक कर लेंगे और इस तरह से इसको रिमूव कर लेंगे कुछ इस तरह से।
और इसको भी शेडो के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे। उसके लिए हम इस लीफ वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे, इस ब्लैंक लेयर आइकन पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर लेंगे और इस तरह से थोड़ी थोड़ी शेड ऐड कर लेंगे इसमें कुछ इस तरह से। फिर हम इस लीफ का भी थोड़ा सा शेडो ऐड करेंगे, उसके लिए हम फिर से एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे इस जो हमने शेडो बनाई थी उसके ऊपर में, इस ब्लैंक लेयर आइकन पर क्लिक कर लेंगे, एक स्ट्रोक डैब करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, उसको स्क्वीज कर लेंगे कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके अंदर में माउस के राइट बटन से क्लिक करेंगे और पॉप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर्व कर लेंगे लीफ के साथ मैच करने के लिए, कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेंगे, कीवर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम इसके पीछे में भी एक शेडो ऐड करेंगे, उसके लिए हम लेयर पैनल में जाएंगे, इस शेडो के ऊपर एक और ब्लैंक लेयर ऐड कर लेंगे, इस लेयर के ऊपर ब्लैंक लेयर आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा ब्लैंक लेयर ऐड हो जाएगा। इस तरह से एक स्ट्रोक डैप करेंगे इसके पीछे पीछे में, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको भी थोड़ा सा इस तरह से स्क्वीज कर लेंगे कुछ इस तरह से रोटेट कर लेंगे और इसके अंदर में राइट क्लिक करेंगे माउस के राइट बटन से और बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे, कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे। फिर हम इन सभी लेयर को एक सेंटर में लेकर आएंगे, उसके लिए हम सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड से, पहले सबसे ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ये नीचे वाली शेडो वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे और इस शेडो वाली लेयर के ऊपर क्लिक कर लेंगे, फिर हम इसको एक ग्रुप में डाल लेंगे, उसके लिए हम इस ग्रुप फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल जी प्रेस कर लेंगे तो भी हमारा ये ग्रुप बन जाएगा। इसको पकड़कर हम थोड़ा सा सेंटर में लेकर आएंगे, वी प्रेस करेंगे, मूव टूल सिलेक्ट कर लेंगे, व्यू में जाएंगे और स्नैप पर क्लिक कर लेंगे और इसको अगर ग्रुप सिलेक्ट करना हो तो ग्रुप सिलेक्ट रखें, लेयर सिलेक्ट करनी हो तो लेयर सिलेक्ट रखें, इसको पकड़कर इस तरह से सेंटर में थोड़ा सा सेट कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे इसको, कीवर्ड से फिर से एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ी सी डार्क सी शेड ऐड कर लेंगे, उसके लिए हम इस जो हमने लाइट शेड ऐड की थी उसके ऊपर में एक ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे, इस ब्लैंक लेयर आइकन पर क्लिक कर बी प्रेस करेंगे, मूव टूल सिलेक्ट कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कीवर्ड शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, कुछ इस तरह से हम एक शेडो से ऐड कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से, कीवर्ड से इंटर प्रेस करेंगे, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर लेंगे, उसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और ओपेसिटी इसकी डाउन कर लेंगे कुछ इस तरह से, कीवर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे, बी प्रेस करेंगे, मूव टूल सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इसके पीछे में बीन्स लेकर आएंगे, कॉफी बीन्स, उसके लिए हम जाएंगे फाइल में और प्लेस लिंक पर क्लिक कर लेंगे, अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारी फोटो इसमें प्लेस हो जाएगी और उसका साइज कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे और इस लेयर को रास्टराइज कर लेंगे, उसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रास्टराइज लेयर के ऊपर क्लिक कर लेंगे, फिर हम इसमें से कुछ बीन्स डिलीट कर लेंगे, लासो टूल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है एल और हम सिलेक्ट करेंगे लासो टूल और इसको हम इस तरह से सिलेक्शन बना लेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो हम कुछ बीन्स इसमें से डिलीट कर लेंगे कुछ इस तरह से और इस बीन का हम एक और लेयर बना लेंगे, उसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो हमारा जे बीम जो है वो एक सेपरेट लेयर के ऊपर आ जाएगा और इसके पीछे वाला हम डिलीट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो वो हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर हम इन बीम्स को थोड़ा सा ब्लर कर लेंगे, उसके लिए हम इस लेयर को स्मार्ट बनाएंगे, उसके लिए इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेंगे,
फिल्टर में जाएंगे और ब्लर में जाएंगे, फिर हम गॉजियन ब्लर पर क्लिक कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हम ब्लर कम कर लेंगे कुछ इस तरह से, ओके प्रेस कर लेंगे, फिर हम इसको रिमूव कर लेंगे। पहले हम इस लेयर को रास्टराइज कर लेते हैं क्योंकि अभी तो इसमें ब्लर देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इस लेयर को राइट क्लिक करेंगे और रास्टराइज पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम इस बीम को रिमूव कर लेंगे, उसके लिए हम इस लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलेक्शन बना लेंगे लासो टूल से, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो हमारा जी रिमूव हो जाएगा। फिर हम इसमें एक और फोटो लेकर आएंगे, उसके लिए फाइल में जाएंगे और प्लेस लिंक पर क्लिक कर लेंगे, अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और उसको इस तरह से पकड़ कर रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे, उसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से, कीवर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे और इसको पकड़ कर इस लेयर को इस ग्रुप के ऊपर लेकर आएंगे, उसके लिए माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, उस लेयर के ऊपर लेकर जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर रखेंगे और ऊपर को ड्रैग कर इसके ऊपर में प्लेस कर लेंगे कुछ इस तरह से, कंट्रोल टी करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे की ओर लेकर आ जाएंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम इस लेयर को रास्टराइज कर लेंगे, उसके लिए इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रास्टराइज लेयर पर क्लिक कर लेंगे, तो इस लेयर को भी हम ब्लर कर लेंगे, इस लीफ वाली लेयर को, उसके लिए इस लेयर को स्मार्ट बना लेंगे, उसके लिए इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेंगे, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गॉजियन ब्लर पर क्लिक कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर हम इसके पीछे शेडो ऐड करेंगे, उसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और लेयर स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे, एफएक्स यहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो ऊपर क्लिक कर लेंगे तो हमारा ड्रॉप शेडो का पैनल ओपन हो जाएगा, डिस्टेंस थोड़ा कम करेंगे और साइज भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, ओपेसिटी हम फुल रखेंगे और एंगल हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और डिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, मैंने जो डिस्टेंस रखा है 20, स्प्रेड 0 और साइज 38, साइज रखा है 38, एंगल है 24 और ओपेसिटी है 91, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, कलर ब्लैक, ओके पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम इस बोतल को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, उसके लिए हम इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, हमारा इस तरह का स्मार्ट ऑब्जेक्ट का पैनल ओपन होगा, ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा फ्री ट्रांसफर टूल इनेबल हो जाएगा, इसका साइज थोड़ा हम छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम इसमें अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, ज़ूम आउट कर लेंगे, इसका फुल प्रीव्यू कर लेंगे, फिर हम इसमें अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, उसके लिए हम टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है टी, कीवर्ड से टी प्रेस करेंगे तो टाइप टूल सिलेक्ट हो जाएगा, अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो इस तरह से, स्टिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, जी प्रेस करेंगे, मूव टूल सिलेक्ट कर लेंगे, इसका कलर हम व्हाइट कर लेंगे, उसके लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कलर ऑप्शन में जाएंगे और कलर हम व्हाइट कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, टिक आइकन पर क्लिक कर लेंगे कुछ इस तरह से, इसको प्लेस कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे कुछ इस तरह से, रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, कीवर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर इसके आगे में एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, फिर से टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है टी, अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से अपना इसका साइज छोटा कर लेंगे, टिक आइकन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इनके बीच का गैप थोड़ा बढ़ा लेंगे, उसके लिए हम प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे, अगर आपको प्रॉपर्टीज पैनल शो ना हो विंडो में जाएंगे और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर लें और इस ट्रैकिंग वाले ऑप्शन से हम इसका इसके बीच का स्पेस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, टिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, बी प्रेस करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे, फिर हम इसका एक अलग कॉपी बना लेंगे, ओ का कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे,
टिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर से टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल वी तो हम इसको पेस्ट कर लेंगे, टिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, इसको इस तरह से प्लेस कर लेंगे, कुछ इस तरह से कीवर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे, जहां फिर इसके अंदर में डबल वी करेंगे, मूव टूल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है वी, और इसको इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेंगे इसमें, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे इसको, इसको हम रोटेट कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस तरह से रोटेट कर लेंगे इसको, कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे, टिक आइकन पर क्लिक करेंगे, सभी लेयर को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट की हेल्प से कंट्रोल टी और साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे, कीवर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम इसके आगे में एक और टेक्स्ट टाइप करेंगे, उसके लिए टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है टी और अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसका, टिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल टी थोड़ा सा रोटेट करेंगे, स्क्वीज कर लेंगे कुछ इस तरह से, कीवर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम इस जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है इसको रिमूव कर लेंगे, उसके लिए हम ये वाली लेयर सिलेक्ट रखेंगे, इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर लेंगे, मास्क आइकन पर क्लिक कर कीवर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेंगे, साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कीवर्ड शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे और इसको इस तरह से रिमूव कर लेंगे, लासो टूल सिलेक्ट करेंगे, पॉलीगन लासो टूल शॉर्टकट है शिफ्ट एल और इसको इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे, कुछ इस तरह से इसको हार्ड बना लेंगे, इसके एज को कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, कलर हम व्हाइट कर लेंगे, एक्स प्रेस करेंगे, व्हाइट को ऊपर लेकर आएंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस कर लेंगे और इसको हम जो थोड़ा सा रिमूव हुआ है उसको वापस लेकर आ जाएंगे, इसको जूम कर लेंगे, शॉर्टकट है ऑल्ट और माउस के स्क्रोल बटन को आगे की ओर ड्रैग करें जूम आउट करने के लिए, ऑल्ट होल्ड करके रखें और माउस के स्क्रोल बटन को पीछे की ओर ड्रैग करें और इसको वापस लेकर आ जाएं, कंट्रोल टी प्रेस करें और साइज थोड़ा बड़ा कर लें, कुछ इस तरह से कीवर्ड से एंटर प्रेस करें, फिर हम इसके आगे में एक और टेक्स्ट टाइप करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से रोटेट कर लें, थोड़ा सा कीवर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम इसके आगे में एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसके लिए टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है टी, इस तरह से कैनवस के ऊपर क्लिक कर लेंगे माउस के लेफ्ट बटन से और अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे और इसका हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे, यहाँ हो टिक आइकन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको पकड़ कर थोड़ा सा आगे लेकर आ जाएंगे, रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम इन सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके लिए सबसे ऊपर वाली सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर हम नीचे वाली सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की हेल्प से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से प्लेस कर लेंगे, कुछ इस तरह से रोटेट कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे और इसको भी थोड़ा सा रोटेट करेंगे, उसके लिए इस टी वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल की हेल्प से या फिर शिफ्ट की हेल्प से, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, रोटेट कर लेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे इसको, थोड़ा सा और रोटेट करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल जीरो करेंगे, जूम आउट कर लेंगे, फिर हम इन सभी लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट की हेल्प से, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और पकड़ कर इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरह से टिक वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे, फिर हम इसको ग्रुप बना लेंगे, इस टेक्स्ट का एक ग्रुप बना लेंगे, उसके लिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे
या फिर इस ग्रुप वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसके, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, वी प्रेस करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे, उसके लिए इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल की हेल्प से, और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इसको पकड़ कर थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर में एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसके लिए हम टाइटल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है टी, और अपना इस तरह से कैनवस के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे कुछ इस तरह से। टिक आइकन पर क्लिक करेंगे, इस लेयर को पकड़ कर सबसे ऊपर लेकर आ जाएंगे, उसके लिए लेयर को ऊपर लाने के लिए शॉर्टकट आप है कंट्रोल और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, नीचे लाने के लिए कंट्रोल और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, वी प्रेस करेंगे मूव टू सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, इसको रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे इसको, और इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेंगे, उसके लिए इसके अंदर में डबल क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से, अपना फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे, टिक आइकन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसको प्लेस कर लेंगे, फिर हम इसका एक कॉपी बनाएंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे माउस के स्क्रॉल बटन को, इसके ऊपर लेकर जाएंगे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और पकड़ कर इस तरह से इसको आगे की ओर लेकर आ जाएंगे, और इसके आगे वाला टेक्स्ट हम चेंज कर लेंगे। टिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, दोनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की हेल्प से या फिर शिफ्ट की हेल्प से, पहले नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे फिर ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, और इसको पकड़ कर थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, कीवर्ड से एंटर प्रेस कर लेंगे, इसको भी थोड़ा ऊपर लेकर चले जाते हैं इस ग्रुप को, सभी लेयर को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली टेक्स्ट लेयर जो हमने ग्रुप में डाली थी और ऊपर वाली दोनों टेक्स्ट लेयर, इनको भी ग्रुप में डाल लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल की हेल्प से, कंट्रोल जी प्रेस कर लेंगे या फिर इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे दोनों ग्रुप्स को, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, पकड़ कर इसको नीचे लेकर आ जाएंगे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम इन दोनों ग्रुप्स को सेंटर लाइन कर लेंगे, उसके लिए दोनों को सिलेक्ट रखेंगे, बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल की हेल्प से और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम इसमें अपना QR कोड का फोटो लेकर आएंगे, उसके लिए हम फाइल में जाएंगे और प्लेस लिंक पर क्लिक कर लेंगे, अपना फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे, इसको जूम इन करेंगे, जूम इन करने के लिए ऑल्ट और माउस के स्क्रॉल बटन को आगे की ओर ड्रैग करें, जूम आउट करने के लिए ऑल्ट और माउस के स्क्रॉल बटन को पीछे की ओर ड्रैग करें कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे, फिर हम इसके चारों ओर में गाइड ऐड करेंगे, उसके लिए हम व्यू में जाएंगे, न्यू गाइड लेआउट पर क्लिक करेंगे, सभी ओर से 40 पिक्सल का गाइड रखेंगे या फिर 30 पिक्सल का, ओके पर क्लिक करेंगे और इसको पकड़ कर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे, फिर हम इस लेयर को रास्टराइज करेंगे, कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे इस लेयर को रास्टराइज कर लेंगे, उसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रास्टराइज लेयर पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर नॉर्मल से डिवाइड कर लेंगे तो ये वाइट हो जाएगा, फिर हम इसमें अपना एक सेकेंड टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसके लिए टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है टी,
अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। मैं डमी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेंगे, साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम अपर केस में कर लेंगे। उसके लिए प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन ना हो तो प्रॉपर्टीज पैनल में चले जाएं। अगर आपको प्रॉपर्टीज पैनल शो ना हो, विंडो में जाएं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर लें। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन ना हो तो ऑल कैप्स वाले ऑप्शन पर, टाइप ऑप्शन में से ऑल कैप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें तो ये हमारा टेक्स्ट अपर केस में हो जाएगा। टिक आइकन पर क्लिक करेंगे, वी प्रेस करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको पकड़ कर इस तरह से प्लेस कर लेंगे, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। टिक आइकन पर क्लिक करेंगे, इसका एक कॉपी बना लेंगे। उसके लिए ऑल्ट होल्ड करेंगे, माउस के कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, पकड़ कर नीचे लेकर आ जाएंगे। टिक आइकन पर क्लिक करेंगे, दोनों लेयर को पकड़ेंगे, ऊपर लेकर चले जाएंगे थोड़ा सा। फिर हम इसके नीचे में वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे, उसके लिए हम फिर से इसका एक कॉपी बना लेंगे। ऑल्ट होल्ड करेंगे, माउस के कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और पकड़ कर नीचे लेकर आ जाएंगे। फिर हम इसमें अपना वेबसाइट का लिंक ऐड कर लेंगे। मैंने डमी टेक्स्ट ऐड कर लिया है, आप अपने हिसाब से अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसको हम कैप स्मॉल लेटर्स में कर लेंगे। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे, टाइप ऑप्शन में से ऑल कैप्स को ऑफ कर लेंगे, टिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर हम इन तीनों टेक्स्ट लेयर को हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन कर लेंगे। पहले हम ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे, फिर हम शिफ्ट की होल्ड करेंगे और नीचे वाली लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम तीनों लेयर को एक ग्रुप में डालेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या फिर इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे और अलाइन इसको अच्छे से करें, आप इसके साथ अलाइन कर लेंगे। उसके लिए हम इस क्यूआर लेयर को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल की हेल्प से और वर्टिकल सेंटर लाइन ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इसमें एक डिस्काउंट कूपन ऐड करेंगे, उसके लिए हम एलिप्स टूल सिलेक्ट कर लेंगे, शॉर्टकट है शिफ्ट यू, शिफ्ट होल्ड करेंगे और इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अपेयरेंस में जाएंगे, फिल में क्लिक करेंगे और इस चार पांच कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, हमारा कलर पिक, हमारा सॉलिड कलर का पैनल ओपन हो जाएगा। इस बॉटल में से ही एक डार्क कलर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और इसके स्ट्रोक को हम नॉर्मल कर लेंगे। उसके लिए इस स्ट्रोक वाले ऑप्शन में जाएंगे और इस नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे इसको इस तरह से। फिर हम इसमें अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, उसके लिए हम टाइप टूल सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है टी, अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे और फॉन्ट हम चेंज कर लेंगे, साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। टिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, पकड़ कर इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे। वी प्रेस करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, इसका एक कॉपी बना लेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे, माउस के कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको पकड़ कर नीचे लेकर आ जाएंगे और इसमें हम टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। टिक आइकन पर क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे। दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट की हेल्प से या फिर कंट्रोल की हेल्प से, पकड़ कर ऊपर लेकर जाएंगे थोड़ा सा, कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। कंट्रोल जीरो करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इन दोनों टेक्स्ट को, दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल की हेल्प से, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा ऊपर लेकर आएंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम इस बोतल को भी थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे, इसके लिए इस बोतल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे,
थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और कीवर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और पकड़ कर थोड़ा सा नीचे लेकर आ रहेंगे, कंट्रोल टी से थोड़ा साइज छोटा कर लेंगे, कीवर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों हमारा पोस्टर रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर और भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था हमारा पोस्टर मेकिंग का डे 18। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोस्टर के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।